Hey guys, welcome to my channel Beauty Tips and Recipes. आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा रिसेंट स्किन केयर रूटीन और इसके लिए मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज करने जा रही हूँ जो कि होने वाले हैं वाओ स्किन साइंस ब्रांड की तरफ से। ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और मैंने एक वीक से यूज कर रही हूँ, मुझे इनके रिजल्ट्स काफी अच्छे मिले हैं, इसीलिए मैं आपके साथ ये रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि वाओ कितना अच्छा ब्रांड है और इसके जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने अभी तक यूज किए हैं मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स ही मिले हैं, इसीलिए मैं आपके साथ ये स्किन केयर रूटीन भी शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने स्किन केयर के लिए चार स्टेप्स फॉलो करती हूँ और वो चारों ही स्टेप्स मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और चार डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फेस वॉश करने वाली हूँ, उसके लिए मैंने लिया है ये वाओ स्किन साइंस का विटामिन सी फेस वॉश और आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह के ब्रिसल्स के साथ मिलता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट हैं और इससे इसका एप्लीकेशन भी काफी इजी हो जाता है और काफी हाइजीनिक रहता है। तो बस इस तरह से आपको सर्कुलर मोशन में इसे अप्लाई करके फेस को वॉश कर लेना है, काफी अच्छे रिजल्ट्स देता है, आपकी स्किन को बहुत ही रिफ्रेशिंग फील करवाता है, जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उन्हें भी कम करने में हेल्प करता है और अगर आपको ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये बिल्ट इन ब्रश काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अगर डेली आप अच्छे से क्लेंस करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो बस इसे इस तरह से यूज करने के बाद अच्छे से आपको फेस को वॉश कर लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होने वाला है और आप देख ही सकते हैं कि फेस वॉश करने के बाद मेरी स्किन पहले से ज्यादा बेटर लग रही है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर टॉवल ड्राई कर लिया है फेस को और इसके बाद मैं यूज करने जा रही हूँ सेकेंड स्टेप जो कि होने वाला है टोनर और ये भी अगेन विटामिन सी रेंज का है, वाओ स्किन साइंस विटामिन सी स्किन मिस्ट टोनर। टोनर यूज करने से आपकी स्किन का जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से आपको ब्रेकआउट्स के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, प्लस ये आपके ओपन पोर्स को भी श्रिंक करने में हेल्प करता है और स्किन को बहुत ही रिफ्रेशिंग फील देता है। तो ये स्टेप भी आपको जरूर करना चाहिए। बस आपको इसे अच्छे से अपने फेस पर स्प्रे करना है और उसके बाद हल्का सा डैब करना है। उसके बाद हम यहाँ पर थर्ड स्टेप फॉलो करने वाले हैं और उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये वाओ स्किन साइंस का विटामिन सी सीरम और ये मुझे काफी पसंद है, क्योंकि ये स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है और आपकी स्किन पर जितने भी एजिंग साइंस है, जितने भी फाइन लाइन्स है उन्हें भी कम करने में ये हेल्प करता है और ये आपकी स्किन की कोलाजन प्रोडक्शन और इलास्टिसिटी को भी मेंटेन करता है, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में भी एजिंग साइंस की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली है। ये डीपली जाकर आपकी स्किन को नेचुरली ट्रीट करता है और स्किन में जितने भी डैमेजेस होते हैं उन्हें भी ये न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। बेस्ट होता है ये स्किन के डार्क स्पॉट्स को कम करने में, जो कि आप सभी जानते हैं कि विटामिन सी बहुत ही अच्छे से स्किन पर जितने भी मार्क्स होते हैं उन्हें कम करने में हेल्प करता है, पैचेस स्किन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है और आपके जितने भी पिगमेंटेशन है उन्हें भी कम करने में ये हेल्प करता है। प्लस ये फ्यूचर में एक बैरियर की तरह भी काम करता है, जिसकी वजह से आपको किसी भी तरह का स्किन डैमेज नहीं होता है। द नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर फॉलो कर रही हूँ ये फोर्थ स्टेप और इसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ ये वाओ स्किन साइंस की विटामिन सी फेस क्रीम और ये आपके फेस को और भी अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। वैसे तो हमें सीरम से भी मॉइस्चराइजेशन मिल जाता है, बट मैं यहाँ पर सीरम के बेनिफिट्स को लॉक करने के लिए ये फेस क्रीम भी यूज कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं इसे किस तरह से पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप फेस पर कुछ अप्लाई करते हैं तो हमेशा अपवर्ड मोशन में ही लगाना चाहिए। तो इस तरह से ये फोर स्टेप स्किन केयर रूटीन मेरा फिनिश होता है। आई होप कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मुझे काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इन केस इफ यू वांट टू बाय देन आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये इजिली आपको अमेजन, नायका, फ्लिपकार्ट और वाओ की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।